डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड के बाद डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। तो लाइट के अंदर डॉपलर इफेक्ट क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है और वो सोर्स ऑफ लाइट देखने वाला यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी लाइट की ज़्यादा दिखाई देगी, सुनाई नहीं दिखाई देगी, और अगर दूर जा रहा है सोर्स तो फ्रिक्वेंसी कम दिखाई देगी। तो इस और कब, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होगी कोई रिलेटिव मोशन, इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। जैसे साउंड में था बिल्कुल लाइट में वैसे ही है। तो लाइट के अंदर भी सेम फॉर्मूलाज हैं, फर्क ये है कि उसमें स्पीड ऑफ साउंड यूज करते हैं, इसमें स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे। तो इसके अंदर सी का मतलब स्पीड ऑफ क्या है, लाइट, ठीक, स्पीड ऑफ लाइट। तो मान लेते हैं कि जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्यों, रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि मान लो कि जो ऑब्जर्वर है जैसे अर्थ पे है वो रेस्ट पे है और स्टार मूव, क्योंकि वैसे तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है नहीं क्योंकि अर्थ घूम रही है और स्टार पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो वी हैव टू टेक रिलेटिव वेलोसिटी। पर नॉर्मली क्या होता है, सोर्स की वेलोसिटी अलग गिवन होती है क्योंकि आप ये मानते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है। तो मान लो ये स्टार की वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी है और आप एज्यूम करते हुए कि रेस्ट पे हैं, तो फ्रीक्वेंसी अगर एक्चुअल न्यू नॉट है तो अगर स्टार पास आ रहा है या सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी दिखाई देगी, सी अपॉन सी माइनस वी। तो वी का मतलब सोर्स की स्पीड है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है और न्यू डैश का मतलब जो फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। उसी तरीके से इसको जब न्यूमेरिकल आएगा इसमें ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करते, इसको मॉडिफाई करते हैं। कैसे, क्योंकि v और c में बहुत ज्यादा अंतर है। c तो बहुत बड़ा है, 3 इंटू 10 की पावर 8 से बड़ा तो कोई स्पीड हो ही नहीं सकती। v इतना बड़ा नहीं होता, v प्लैनेट की स्पीड को इतनी स्पीड ऑफ लाइट जितनी थोड़ी ना होती है, काफी कम होती है। तो इसको मॉडिफाई करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को c से डिवाइड किया तो ये टर्म ऊपर चली गई रेज टू पावर माइनस वन। तो उसके बाद क्या हुआ, बाइनोमियल लगी। बाइनोमियल क्यों लगी, क्योंकि v छोटा है और c बड़ा है, काफी बड़ा है। मैथ में लोग समझ सकते हैं कि बाइनोमियल कब लगती है। तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है किसी भी न्यूमेरिकल में, जब भी कोई सोर्स पास आ रहा होगा तो ये फॉर्मूला, सोर्स की स्पीड v है और अगर दूर जा रहा होगा तो प्लस v की जगह माइनस v हो जाएगा, तो माइनस v हो जाएगा। तो दो फॉर्मूला को मार्क कर सकते हैं, सोर्स पास आ रहा है और सोर्स दूर जा रहा है, तो दोनों में क्या यूज होगा, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। इन्हें अगर कंबाइन कर लें तो न्यू डैश इज प्लस माइनस v बाय c इंटू न्यू नॉट हो जाएगा। इन्हें ओपन कर लें, ओपन करने पे आपके पास ये टर्म हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा न्यू हो जाएगा। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, अगले पेज पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, बिल्कुल यही सेम यही स्टेप है। तो ये स्टेप आ गया, न्यू डैश माइनस न्यू नॉट इज डेल्टा न्यू, डेल्टा न्यू का फॉर्मूला आ गया, दिस इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसको डॉपलर चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और एक और स्टेप है, सी क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो न्यू नॉट एक्चुअल वेवलेंथ है, लैम्डा नॉट एक्चुअल वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, इसको अगर डिफरेंशिएट करें कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, तो न्यू नॉट कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन डी लैम्डा की जगह डेल्टा लैम्डा यूज कर रही है और ये कांस्टेंट और ये इसकी डिफरेंशिएशन। तो यहां से ये टर्म लेफ्ट पे आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा न्यू निकाल लिया इसको नीचे लेके। तो डेल्टा न्यू आपने वैसे भी निकाल लिया, डेल्टा न्यू आपने डिफरेंशिएशन से भी निकाल लिया, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो डेल्टा न्यू न्यू नॉट कैंसल, तो सॉल्व करके डेल्टा लैम्डा आ गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी न्यूमेरिकल में, चेंज इन वेवलेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं और डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा का ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, प्लस माइनस वी बाई सी इंटू लैम्डा नॉट, ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर जब कोई सोर्स लाइट का पास आ रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिखाई देगी तो डेल्टा न्यू पॉजिटिव होगा, और जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिखाई देगी तो वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है क्योंकि एक चीज बढ़ती है कम होती है। तो अगर सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो डेल्टा न्यू पॉजिटिव है या डेल्टा लैम्डा नेगेटिव है क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाएगी। जब सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, डेल्टा न्यू नेगेटिव है, डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है यानी कि स्टार पास आ रहा है, अप्रोच कर रहे हैं दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर, ऐसे केस में कलर लाइट का चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। और अगर दूर जा रहे हैं, रिसीड कर रहे हैं कोई प्लैनेट, तो डेल्टा लैम्डा नेगेटिव होगा, न्यू नेगेटिव होगा, तो ये कलर क्या हो जाएगा लाइट का, रेड। यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सीज के अंदर ज़्यादातर कलर रेड नज़र आते हैं, रेड का मतलब स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, सुना होगा आपने ये स्टेटमेंट, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग,
ये डॉपलर के इफेक्ट से प्रूव किया जा सकता है यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है क्योंकि कलर रेड नजर आते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरीके से डॉपलर इफेक्ट काम आएगा इस चीज को स्टडी करने में।